शनिवार को भूलकर भी ना खरीदें ये चीजें, वरना दुर्भाग्य नहीं छोड़ेगा पीछा। सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनकी विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन पूजा करने से शनि देव की विशेष कृपा मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। वहीं ज्योतिष में शनि को क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को कुछ चीजों की खरीद करने से शनिदेव नाराज होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। एक, नमक। शनिवार के दिन लोगों को नमक नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोध से बचने के लिए नमक खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। दो, लोहा। शनि देव की धातु मानी जाती है, इसलिए गलती से भी इस दिन लोहा या लोहे से बनी चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप लोहे से बनी चीजें शनिवार के दिन खरीदते हैं तो जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। इसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष भी डगमगा सकता है, इसलिए गलती से भी शनिवार के दिन लोहा खरीदने से बचें। अगर आप कोई लोहे की चीज खरीद रहे हैं तो उसे घर न लाएं और अगले दिन ही घर लाकर रखें। ऐसा करने से आपको नुकसान नहीं होगा। तीन, इस दिन नुकीली चीजें जैसे सुई, कैंची, छुरी आदि भी घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। ऐसा करना आपके परिवार के माहौल को बिगाड़ सकता है। इन चीजों की खरीदारी अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो घर परिवार में कलह कलेश हो सकते हैं, साथ ही घर के लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए नुकीली चीजों को गलती से भी शनिवार के दिन न खरीदें। चार, सरसों का तेल। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा के दौरान सरसों का तेल उन्हें अर्पित किया जाता है, इसलिए शनिवार के दिन आपको कभी भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल की खरीदारी करने की वजह से शनि देव तो अप्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। पाँच, काले जूते। शरीर के लिए जितने जरूरी वस्त्र हैं, उतने ही जूते भी। खासतौर से काले रंग के जूते पसंद करने वालों की तादाद आज भी काफी है। अगर आपको काले रंग के जूते खरीदने हैं तो शनिवार को न खरीदें। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को कार्य में असफलता दिलाते हैं। छह, झाड़ू। झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर उसे निर्मल बनाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार को उपयुक्त नहीं माना जाता। शनिवार को झाड़ू घर लाने से दरिद्रता का आगमन होता है। सात, काले तिल। शनिवार के दिन काले तिल भी नहीं खरीदना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन काला तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है। इस दिन काले तिल और सरसों के तेल से शनिदेव की पूजा की जाती है, इसलिए शनिवार के दिन काले तिल खरीदने की मनाही है। आठ, उड़द की दाल। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आपको उड़द की दाल खरीदनी ही है तो इसे एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। नौ, कोयला। शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन कोयला खरीदने से शनि दोष लगता है। इसकी वजह से हर काम में रुकावट आती है। इसके अलावा इस दिन काजल, कैंची और झाड़ू खरीदना भी अशुभ माना जाता है। 10. काले रंग के वस्त्र। काला रंग शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है, इसलिए आपको कभी भी शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। काले रंग के कपड़े अगर आप इस दिन खरीदते हैं तो कई मानसिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है।
हालांकि इस दिन काला कपड़ा पहनना और दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आप शनि की बुरी नजरों से बचे रहते हैं। यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।